नमस्कार दोस्तों, तो आईको नियो 9 और जो आईको नियो 9 प्रो चाइना पे लॉन्च हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा। समझ लीजिए अगले 2 महीने के अंदर इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा। लेकिन जो सबसे मेन चीज़, उधर का जो आईको नियो 9 वो इंडिया पे आएगा आईको नियो 9 प्रो नाम से, और उधर का जो नियो 9 प्रो वो प्रोबेबली इंडिया पे लॉन्च नहीं होगा। पिछली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया पे जो लॉन्च होने वाला है आईको नियो 9 प्रो, जो कि चाइना पे जो लॉन्च हुआ है आईको नियो 9 नाम से, इसमें हमें एक्जैक्टली का स्पेसिफिकेशन मिलेगा और क्या इस बार 35,000 रुपीज के अंदर का सबसे बेस्ट ऑलराउंड स्मार्टफोन होगा कि नहीं, इस वीडियो में इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई वक्त का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजुअल चैनल पे नए हैं और ऐसी टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं इस बार का जो नियो 9 प्रो पीछे से दिखने में एग्जैक्टली ऐसा है। टोटल 3 कलर पे आपको मिलेगा, ब्लैक, ब्लू और एक रेड और व्हाइट का मिक्सचर। इस फोन के पीछे का जो मटेरियल वो एक्चुअली है लेदर का बैक कवर। इसका थिकनेस है 7.99 मिलीमीटर और वेट है 196 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.78 इंच, 1.5K, 10 बीट, 144 हर्ट्ज LTPO OLED डिस्प्ले, जिसके साथ 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, 1400 निट्स का मिनिमम ब्राइटनेस और 3000 निट्स का मैक्सिमम ब्राइटनेस, 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग रेट, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और डिस्प्ले का जो सर्टिफिकेशन उसमें आपको मिलेगा HDR10+ का सर्टिफिकेशन। और इसके अलावा इसके डिस्प्ले के परफॉर्मेंस को और भी इंक्रीज करने के लिए इसमें आपको मिलेगा Q1 डिस्प्ले चिप। मतलब कैसे देखिए प्राइस पॉइंट की सिर्फ इसका जो डिस्प्ले नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। प्रोसेसर में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, जिसके साथ 6K वेपर कूलिंग चैम्बर नाम का एक कूलिंग सिस्टम मिलेगा। कैमरे में आपको मिलेगा 50 और 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा, उसके साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। ये जो 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा वो एक्चुअली है IMX920 वाला सेंसर और इसके रियर कैमरे के साथ आपको OIS, EIS दोनों का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये जो फोन इंडिया में वैसे तो 2 से 3 वेरिएंट पे आएगा, लेकिन स्टार्टिंग होगा 12 256 GB से। रैम का क्वालिटी है LPDDR5X, मेमोरी पे आपको मिलेगा UFS 4.0, जिसके साथ कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं। बैटरी में आपको मिलेगा 5160 mAh बैटरी, उसके साथ 120 वाट का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद में से कुछ बाकी फीचर के बारे में बात करें तो आपको इसे मिलेगा Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, कोई भी 3.5mm जैक नहीं, डुअल स्पीकर और जिसके साथ हमें मिलेगा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर OS अपडेट साइकिल के बारे में बात करें, प्रोबेबली हर बार की जैसा 2 साल का मेजर OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो जो सबसे मेन चीज किस प्राइस में लॉन्च होने वाला, तो देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ महीने पहले इंडिया पे जो लॉन्च हुआ था आईको नियो 9 प्रो कितने में लॉन्च हुआ था, 33,000 रुपीज पे। कार्ड ऑफर मिला आपको मिलेगा 31,000 पे। अगर आप चाहे तो अमेजोन पे भी देख सकते हैं। अभी वो जो स्मार्टफोन चाइना पे एक फोन लॉन्च हुआ था आईको नियो 7 रेसिंग एडिशन, उसका रिब्रांडेड वर्जन है। अभी वो जो स्मार्टफोन वो चाइना पे, मतलब वो जो नियो 7 रेसिंग वो स्मार्टफोन चाइना पे लॉन्च हुआ था 2801 पे और इंडिया पे सेम फोन रिब्रांड होके किस प्राइस में लॉन्च हुआ है, 33,000 रुपीज पे। मतलब कह सकते 2801 इक्वल टू इंडिया का 33,000 रुपीज। और ये जो नया वाला जो आईको नियो 9 जो कि चाइना पे लॉन्च हुआ है एग्जैक्टली 2301 पे, मतलब लास्ट ईयर जो आईको नियो 7 रेसिंग एडिशन लॉन्च हुआ था उससे एग्जैक्टली 501 सस्ते में लॉन्च हुआ है। अभी 501 सस्ते में लॉन्च हुआ, मतलब डेफिनेटली इंडिया पे लॉन्च होना चाहिए 30,000 के नीचे, ठीक है। आईको का जो लॉजिक वो टोटली आपके सामने, 2801 इक्वल टू अगर हो सकता है 33,000 रुपीज, तो 2401 इक्वल टू डेफिनेटली होगा 30,000 के नीचे। तो अभी हार्ड वीडियो से देखिए क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर इससे भी दूसरा कोई चॉइस अवेलेबल है। तो देखिए जैसे पिछले साल जो आईको नियो 9 प्रो लॉन्च हुआ था वो किसके साथ कॉम्पीट कर रहा था, OnePlus Nord 3 के साथ, तो इस बार भी जो आईको नियो 9 प्रो वो कॉम्पीट करेगा OnePlus Nord 5 के साथ, वही 35,000 के नीचे लॉन्च होने वाला है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, आई बटन में देख सकते हैं। तो अगर हम उस Nord 5 के साथ कंपेयर करते हैं, पहली बात तो डिस्प्ले, इस मामले में दोनों फोन एग्जैक्टली सेम, लेकिन फिर भी मैं आईको को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि इसका जो डिस्प्ले उसमें आपको एक डेडिकेटेड डिस्प्ले चिप मिलेगा। प्रोसेसर की अगर बात करें नो डाउट आईको बेटर, क्योंकि आईको पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, लेकिन अकॉर्डिंग टू लीक्स नॉट 5 में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 Gen 3, मतलब इधर आईको बेटर। कैमरे की अगर बात करें, मैं इधर वन प्लस को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करना चाहूंगा। अभी वन प्लस को जो कैमरा आउटपुट वो जनरली बहुत बढ़िया रहता है, आईको का भी जो कैमरा आउटपुट वो बहुत ही बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी मैं इधर वन प्लस को स्लाइटली ज्यादा एज देना चाहूंगा। सेम प्राइस पॉइंट में सबसे ज्यादा रैम और स्टोरेज का क्वालिटी क्वांटिटी के मामले में आईको होगा नो डाउट बेटर।
बैटरी और चार्जर पे इधर भी आईको बेटर, स्पीकर पे दोनों पे डुअल स्पीकर मतलब एग्जैक्टली सेम, और ओएस अपडेट दोनों का एग्जैक्टली सेम। तो मतलब देखिए वीडियो का मैं ये चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका टारगेट है अगले दो महीने के अंदर 30,000 से 35,000 रुपीज पे कोई नया स्मार्टफोन लेना, तो डेफिनेटली ये जो आईको नियो 9 प्रो इसके लिए आपको वेट करना चाहिए। और ये चीज मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 30,000 के आसपास इस बार आईको नियो 9 प्रो लॉन्च होगा। तो अभी आप मुझे कौन से जरूर बताना कि इस बार का जो आईको नियो 9 प्रो इसका स्पेसिफिकेशन देखकर आपको कैसा लगा, और जिस प्राइस में लॉन्च होने वाला है तो क्या आप इस प्राइस में इसे लेना चाहेंगे या फिर दूसरा कोई डिवाइस आप चूज करना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे जो क्वेश्चन कहना है बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।